18 जुलाई का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है और 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन के महीने के बाद जो अधिक मास है वह भी सावन का ही है, सावन का ही अधिक मास आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कौन सी 8 चीज़ें जिनका दान करने से अधिक मास में आपको आपके जीवन के कष्ट तो दूर होते ही हैं, परेशानियां दूर तो होती ही हैं, पर जीवन में आपको धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही इस अधिक मास में करने वाला एक विशेष और बिल्कुल नया उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज मतलब 17 जुलाई को ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यूट्यूब में एक पोस्ट डाल के आपसे दो विशेष चीज़ों की जानकारी दी है जिसे गुरुजी ने इस सावन के अधिक मास में दान करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। अधिक मास में 33 मालपुए दान करने का महत्व होता है, इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है ऐसा क्यों होता है, हम 30 क्यों दान नहीं कर सकते, 31 क्यों नहीं कर सकते, 34 क्यों नहीं कर सकते, या फिर हम मालपुए की जगह गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला दान क्यों नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने इस पर बताया मालपुए में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जितने छिद्र होते हैं उतने नरकों से हमारे घर के जो पूर्वज हैं उन्हें उतने नरकों में नहीं जाना पड़ता है, वे परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। इसलिए मालपुए का दान अधिक मास में किए जाने का महत्व है, ना कि रसगुल्ले का। अब 33 ही मालपुओं का दान क्यों किया जाता है भाई भी आप समझ लीजिए, 30 दिन के जो अधिक मास के 30 दिन होते हैं उसके 30 मालपुए, 31वां मालपुआ जो होता है अगर हम हमारी बेटी के घर का भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बेटी के घर का अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो उसका दोष जो हमें लगता है वह दोष ना लगे इसलिए हम 31वें मालपुए का दान करते हैं। 32वें मालपुए का दान हम अगर हमने कोई ब्राह्मण के या फिर गुरु के घर में भोजन ग्रहण कर लिया है तो ऐसे में जो दोष हमें लगता है वह दोष हमें ना लगे इसलिए हम 32वें मालपुए का दान करते हैं। 33वां मालपुए का दान अगर हम किसी घर में जहाँ पे सूतक लगी हो, श्रावण लगा हो, वहाँ पर हमने अगर भोजन कर लिया है तो ऐसे में जो दोष लगता है वह दोष हमें ना लगे इसलिए 33वें मालपुए का दान किया जाता है। सूतक तब लगती है जब घर में कोई शांत हो जाता है, मर जाता है, और श्रावण तब लगती है जब घर में कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेती है। ऐसे में अगर किसी के घर में हम भोजन कर लेते हैं तो ऐसे में लगने वाले दोष से अधिक मास में मालपुए दान करने से उस दोष की समाप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। अगर शरीर में बहुत पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है तो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि जब भी आप 33 मालपुए दान करते हैं तो आपको 26वें नंबर का जो मालपुआ होता है उसमें आपको वैजयंती की माला रखकर दान कर देना है। कभी भी जिंदगी में कमर या घुटने से संबंधित जो दर्द की समस्या होती है वह आपको नहीं हो सकती। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अधिक मास की नौमी तिथि का एक विशेष रोग मुक्ति उपाय है जिसे आपको इस प्रकार से करना है। आपको आटे का दिया बनाना है जिसमें 4 बाती रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है, थोड़ा सा तिल का तेल डाल देना है। इसके बाद आपको अपने घर के ही चौखट के बाहर खड़े होकर उस बच्चा या उस व्यक्ति जिसको बीमारियाँ रहती हैं, रोग रहता है, परेशान रहता है, उसके ऊपर से आपको 21 बार उतार लेना है। 21 बार उतारा करने के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का गोत्र और नाम बोलकर वह तिथि जिस दिन आप यह उपाय कर रहे हैं वह बोलना है। साथ ही आपको श्री नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए उसे चौखट पे ही प्रज्वलित कर देना है। व्यक्ति को अपनी बीमारियों से, रोगों से मुक्ति मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं अधिक मास की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने अधिक मास का शिवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आप इस अधिक मास की आने वाली जो शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है, उसमें करना है। मतलब यह उपाय आपको 14 अगस्त को करना है। आपको 5 जगह 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब वे 5 जगह कौन कौन सी आप यह भी समझ लीजिए। शंकर भगवान के मंदिर के द्वार में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, इसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, इसमें आप गोल या लंबी दोनों में से जो भी बाती का लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। नदी के घाट या फिर कुआं या फिर तालाब या फिर सरोवर या फिर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने घर के ही पानी के परिंडे मतलब पानी के पात्र के पास इस चौथे दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें भी आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। अपने घर के द्वार में राइट हैंड साइड आपको एक और लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर आपको इस प्रकार से दीपक लगाना है कि आपका मुख घर की ओर हो। ऐसे में आपका सीधे हाथ की ओर उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इसमें लंबी बाती का उपयोग करें, इस बात का आपको ध्यान रखें। अब यह उपाय क्यों किया जाता है यह भी समझ लीजिए। अगर आप अपने जीवन से बहुत हताश हो गए हों, ना आपका व्यापार चल रहा है, ना आपकी नौकरी लग रही है,
जीवन नीचे ही निम्न स्तर की ओर जाते जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए आपको इस उपाय को अधिक मास की शिवरात्रि मतलब 14 अगस्त के दिन करना है। यह उपाय आप शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करें। बढ़ते हैं पाँचवीं और विशेष जानकारी की ओर। मालपुए के दान का महत्व तो आपने जान ही लिया है कि मालपुए का दान क्यों किया जाता है, पर इस अधिक मास में आपको अधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए और जो 7 चीज़ें हैं उनका भी दान करना है, जो कि इस प्रकार है। पूजन करने के बाद आप केले का दान कर सकते हैं। केले का दान अधिक मास में इसलिए किया जाता है कि ग्रह क्लेश को दूर करें, वो परिवार के जो आपस में संबंध है, परिवार के जो लोग हैं उनका आपस में प्रेम संबंध बने रहे, मधुरता बनी रहे, इसलिए पूजन करने के बाद केले का दान आप इस अधिक मास में कर सकते हैं। अधिक मास में किसी भी गुरुवार में आप पीले कपड़ों का दान करें, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। अधिक मास में गरीबों को आप भोजन का दान करें। माता अन्नपूर्णा की आप पर विशेष कृपा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस अधिक मास में आप गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताब दान करें, इससे माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान के साथ साथ माता सरस्वती की भी आपके परिवार पर विशेष कृपा रहती है। इसलिए गरीबों को पढ़ाई के लिए कॉपी का दान कर सकते हैं, किताबों का दान कर सकते हैं, और अपने जीवन की दुख तकलीफ़ और कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए इस मल मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आपको अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना है, दीपदान करना है, या फिर आप कोई भी नदी के तट में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर दीपदान कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज YouTube में एक और विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने एक पोस्ट साझा करके बताया है कि आपको इस अधिक मास में दो चीज़ और हैं जिनका दान करना है। आपको 33 बतासे या फिर पान के पत्तों का दान करना है। गुरुजी की जानकारी यह बिल्कुल नहीं है, YouTube चैनल के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।